Hello friends, I am Tohir Bhatt from ST Solutions. Friends, अभी हम shape factor निकालेंगे triangular section का. ये topic DSS है. I hope आपको ये अच्छे से समझ आएगा और आप हमारे नए updates के बारे में जानना चाहते हैं, आप उन video से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप please आप हमारे channel को subscribe कीजिए और हमारी videos को like कीजिए. तो चलिए start करते हैं. हम आज का topic जो हमारा lecture जो है वो triangular section पे है. इसका हमें शेप फैक्टर निकालना है. तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया शेप फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए. आप सभी को पता होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ट्रायंगुलर सेक्शन जो होता है उसका फार्मूला है BH³/36. तो ये अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया ट्रायंगुलर सेक्शन का. इस सेक्शन का बी इसकी बेस है और एच इसकी हाइट है हमारे पास. और तो अब इसके बाद सेक्शन मॉडुलस जेड ई निकालेंगे हम. इसका सेक्शन मॉडुलस बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय वाई मैक्स. ठीक है, अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया BH³/36 और आप सबको पता ही है कि एक ट्रायंगुलर सेक्शन का सेंट्रॉइड जो एक्ट करता है टॉप से अगर हम देखेंगे वो एक्ट करेगा 2/3 H पे. तो इसका सेक्शन मॉडुलस हमारे पास आ गया BH²/24. अभी हम इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे. प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है ZP = A/2 इंटू Y1 बार + Y2 बार. अभी Y1 बार और Y2 बार निकालने के लिए हमें इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करना होगा ताकि हम Y1 बार और Y2 बार निकालें. तो सबसे पहले हम लेट MN बी द इक्वल एरिया एक्सीज. MN हमें इक्वल एरिया एक्सीज डाली, मतलब इस MN ने इस ट्रायंगल को दो एरियाज में डिवाइड किया. मतलब अभी हमारे पास इसका एरिया जो था उसको दो इक्वल एरियाज में इस MN ने डिवाइड कर दिया. तो अब हम ट्रायंगल BMN से अगर हम इसका एरिया लेंगे तो इसका एरिया जो है वो किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ बेस क्या इसकी आ गई B1 और हाइट इसकी आ गई H1. तो 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू इस 1/2 BH², मतलब BH/2. तो BH/2 इस पूरी ट्रायंगल का एरिया था. तो इस पूरी ट्रायंगल का एरिया मतलब A/2 इज इक्वल टू 1/2 B1 × H1. आपको समझ आया होगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला 1/2 B1 × H1. तो हमारे पास इस पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या था, हाफ ऑफ बेस B × H. तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट जो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया था उसको डिवाइड करने के बाद, उसको डिवाइड टू करने के बाद वो इस चीज़ के बराबर आ गया हमारे पास. तो उसका हम लिख सकते हैं B1 H1 इज इक्वल टू BH/2. अभी हम फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स BMN, BMN और BCE के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले रहे हैं अभी यहाँ पे. तो H1 B1 इज इक्वल टू H/B ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है H1 H B1 B. तो ले रहे हैं अभी यहाँ पे. अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम H1 और B1 का वैल्यू निकाला यहाँ पे. तो अब यहाँ से B1 का वैल्यू निकाले उसको इसमें पुट कर दीजिए और यहाँ से H1 आएगा तो H1 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो वह B1 आ जाएगा आपके पास. तो इसके बाद H1 और B1 हमारे पास आ गया. अब इसका एरिया क्या हमारे पास ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट. तो वाई बार कैसे निकलेगा, वाई बार हम इस चीज़ का निकालेंगे टॉप से. तो इसका क्या वाई बार आएगा, H1/3 नहीं बेस से लेंगे, क्योंकि हम जो मतलब कोई भी चीज़ का सेंट्रॉइड लेते हैं जब हम उसको डिवाइड करते हैं इक्वल एरिया में तो वो हम उसकी उस एक्सिस से लेते हैं जहाँ मतलब जिस एक्सिस ने उस ट्रायंगल को डिवाइड किया दो एरियाज में. तो अभी हम इसका बेस से लेंगे तो H1/3 आ रहा है इसका एरिया, मतलब इसका सेंट्रॉइड आ रहा है H1/3. तो H1 का वैल्यू यहाँ पे है H/√2 इसमें डाल दो तो H/√2 आ रहा है हमारे पास इसका सेंट्रॉइड. अभी जो Y2 है, Y2 हमें निकालना है सेंट्रॉइड इस चीज़ का निकालना है MCEN. ये हमारे पास एक ट्रिपिज्म बन गया है. तो ट्रिपिज्म का सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Y2 = H − H1/3, मतलब इस चीज़ की हाइट इंटू B1 + 2B / B1 + B. अभी इसका Y2 से सेंट्रॉइड निकल जाएगा आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ इसमें, मतलब H1 का वैल्यू पुट करेंगे, B1 का वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास Y2 का वैल्यू 0.4643H/3 आ रहा है अभी यहाँ पे. तो उसके बाद हम क्या निकाल रहे हैं, अभी प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस मैंने बताया आपको, इसका फॉर्मूला A/2 × Y1 बार + Y2 बार. अभी एरिया जो यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई टू. तो एरिया भी हमारे पास क्या था, BH/2 इंटू अपना 2 यहाँ पे फॉर्मूला का. तो यहाँ पे तो इंटू Y1 बार हमने अभी निकाला पीछे, Y1 बार का वैल्यू यहाँ पे और Y2 बार का वैल्यू यहाँ पे.
तो उसके बाद हमारे पास जेड पी निकल रहा है यहाँ पे, तो बाद में लास्ट पे हमें निकालना है शेप फैक्टर। शेप फैक्टर होता है बराबर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस प्लास्टिक, हाँ तो शेप फैक्टर होता है बराबर प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस डिवाइड बाई सेक्शन मॉडुलस, उन दो का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमारे पास ट्रायंगल का जो शेप फैक्टर आया 2.343। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस का लाइक कीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू वेरी मच।